देखो बजट मॉनिटर्स तो काफ़ी सारे आते हैं मार्केट में, पर अच्छा कोई कोई होता है। तो आज मेरे पास यहाँ पर है OnePlus E24 का मॉनिटर, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि इसके डिस्प्ले कैसी है, फीचर्स क्या क्या मिलते हैं और क्या आपको ये वाला लेना चाहिए। Hey, what's up? मेरा नाम है शिवम और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस मॉनिटर पर बेस्ट डील ढूंढना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहला लिंक चेक कर सकते हैं। तो ये बॉक्स के अंदर हमारे को मिलती है पावर केबल और एक पावर अडैप्टर, साथ एक HDMI है, एक USB-C to C केबल है और कुछ यूजर मैनुअल्स। उसके बाद हमें मिलता है इसका स्टैंड जो कि मेटल का है और काफी सही है। इसे हमें खुद जोड़ना पड़ेगा इन 3 स्क्रूज की मदद से जो इसके अंदर दिए हुए हैं इन्होंने। तो आप स्क्रू ड्राइवर निकालिए और इसको ऐसे असेंबल कर लीजिए। तो उसको असेंबल कर लेते हैं हम, स्क्रू कस लेते हैं और अब इसको मॉनिटर पे लगा लेते हैं और यहाँ स्क्रू टाइट कर देते हैं। टडा, हमारा मॉनिटर तैयार हो चुका है। और अब बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। डिजाइन की बात करें तो काफी मेरे को स्लीक सा लगा। इसकी जो बेजल्स है काफी पतली है, 3-sided bezel, जो बॉटम साइड है वहाँ पे थोड़ा सा मोटा बेजल है और यहाँ OnePlus का लोगो दिया हुआ है। और वैसे इसके थिकनेस की बात करूँ तो ये काफी स्लिम है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल 8mm थिक है, तो काफी स्लीक सा लगता है पड़ा हुआ डेस्क के ऊपर। और जो इसकी बढ़िया चीज है वो मेरे को उसका मेटल का स्टैंड लगा, ये भी काफी स्लीक है और एकदम बिल्कुल अच्छी एक्सपेंसिव वाली लुक देता है। अब केबल मैनेजमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि ये केबल मैनेज करेगा स्टैंड पर। आप जैसे कि देख सकते हैं केबल फिर भी आपको दिखते हैं यहाँ पर, तो ये इतना मतलब नहीं करता, तो आपको ये दिखेंगे केबल्स, आप इसको सहने की आदत डाल लीजिए, इसको सह लेंगे थोड़ा सा। अरे अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसके बैक में बटन मिलता है एक जॉयस्टिक वाला, और वहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं और इनके मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। हालांकि कुछ टाइम लगेगा आपको इसको एडजस्ट करने में, क्योंकि थोड़ा अजीब सी तरह से काम करता है ये। जैसे कि अगर इसको ओके करना है तो आपको फ्रंट आगे वाला बटन दबाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको सेट करने में। अब एक और चीज़ है कि ये वाली स्क्रीन को आप टिल्ट भी कर सकते हैं ऐसे अप और डाउन, पर इसके अंदर ये है कि आप इसको ऐसे अप और डाउन ऐसे मूव नहीं कर सकते, सिर्फ टिल्टिंग का ऑप्शन है आपके पास, जो कि चूँकि ठीक है मतलब बजट मॉनिटर्स में आप मतलब थोड़ा दिक्कत रहती है ये वाला फीचर, पता नहीं क्यों नहीं डालते वो। खैर आप चाहें तो इसके अंदर एक वीसा माउंट भी अटैच कर सकते हैं और उससे आप इसको आर्म पे लगा के ऐसे पूरा जैसे मर्जी चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। अब ये मॉनिटर कहीं पे इधर उधर खिसके ना, तो इसके लिए इन्होंने इसके नीचे रबर के फीट दिए हुए हैं 4, तो इसकी वजह से अपनी जगह पे जमा रहता है। अब फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, और मतलब मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले। डिस्प्ले यहाँ पर हमारे को फुल HD डिस्प्ले मिलती है, 1920x1080 16x9 की इसकी एक्सपेक्ट रेशियो है, और इसकी जो साइज़ है वो 24 इंच है, आपको पता ही है। और जो इसके कलर्स हैं वो मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया और एक्यूरेट हैं, काफ़ी विविड लगते हैं, ऐसा नहीं कि ओवर सैचुरेटेड है, पर काफ़ी सही लगते हैं अगर आप इसके ऊपर फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं या फिर आप इसके अंदर गेमिंग वगैरह भी करते हैं, तो काफ़ी सही लुक आती है। और आप इसके अंदर जाके सेटिंग्स में इसके मोड में आप 4-5 मोड मिल जाते हैं आपको, जैसे वेब, गेमिंग, मूवी, पिक्चर, स्टैंडर्ड, तो आप उस हिसाब से कुछ सेट भी कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग। गेमर्स के लिए मैं कहूँगा कि इसका जो रिस्पांस टाइम है वो 5 मिलीसेकंड्स है, तो काफ़ी बढ़िया है इस रेट में आपको जो मिल रहा है। और साथ में जो इसकी स्क्रीन है वो 75 हर्ट्स है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड 60 मिल जाती है आपको, 75 इसमें मिल रही है, तो गेमिंग के लिए मतलब हाँ ठीक है, आप कर सकते हो गेमिंग। मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा और बहुत बेकार नहीं कहूँगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ मोर देन एवरेज। अब जो इसकी स्क्रीन है वो एंटी ग्लेयर है, मैट फिनिश में है, तो आपको ऐसे लाइट वगैरह जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर अगर ग्लेयर आ रही है तो आपको ऐसे दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती काम करते हुए। मैं खुद इसको विंडो के पास यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। और इसकी जो वैसे ब्राइटनेस है वो 250 निट्स है, तो ये डिसेंटली ब्राइट है, तो आप काम वगैरह आसानी से कर पाएंगे इसमें। और वैसे इसका व्यूइंग एंगल जो है वो 178 डिग्रीज है, तो आप अगर थोड़ी साइड से देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ, तो मुझे कलर बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे LCD स्क्रीन में होता था। ये वाली IPS पैनल है, तो इसके अंदर आपको व्यूइंग एंगल बढ़िया मिल रहा है, मतलब मैं यहाँ से आराम से ये गैलरी का कलर देख सकता हूँ। थोड़ी सी मार्केटिंग टर्म्स के साथ हमारे को मिलता है इसके अंदर लो ब्लू लाइट और एंटी फ्लिकरिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। पीछे चलते हैं इस मॉनिटर के, तो हमारे को यहाँ पर इनपुट आउटपुट देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड HDMI का इनपुट, एक इनपुट दी हुई है, साथ में VGA की इनपुट है, एक हेडफोन जैक दिया हुआ है, तो आप इसके अंदर स्पीकर्स डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और एक जो बहुत ही खतरनाक इस बजट में आपको मॉनिटर में देखने को मिलेगी इस पे, वो है एक USB-C कनेक्शन। ये सिर्फ आपके फ़ोन को चार्ज नहीं करेगा, बट चार्जिंग के साथ साथ आपके फ़ोन से डिस्प्ले जो भी है वो आप
देख सकते हैं कि मैंने सैमसंग S21 से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो डिस्प्ले आउटपुट भी देगा इसमें। तो जैसे कि अगर आपका MacBook Pro है नई वाली जिसमें USB-C कनेक्शन है, या फिर कोई भी और लैपटॉप है जिसके अंदर USB-C कनेक्शन मिलता है आपको वीडियो आउटपुट के साथ, तो वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है, आपको इस बजट के अंदर ये फीचर देखने को नहीं मिलता। मेरे पास इसके अलावा LG की 5K डिस्प्ले है अल्ट्रा फाइन वाली, तो उसके अंदर वो है और वो ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार की डिस्प्ले है, तो उसमें वो फीचर है, पर आपको सिर्फ 12 हज़ार में ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो काफ़ी इंप्रेसिव है। मतलब मैं तो खुश हो गया था एक बार देख के। एक ड्रॉबैक मुझे इसके अंदर ये लगा कि इसके अंदर आपको स्पीकर नहीं मिलते, इनबिल्ट स्पीकर, तो अगर वो भी होते तो बढ़िया होता। खैर, लास्ट में आपको इसके अंदर ब्लैक स्टेबलाइजर भी मिलता है ऑप्शन, जो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए वो हैंडी होगा थोड़ा। और आपको मिलता है इसके अंदर एडाप्टिव सिंक, तो ये एडाप्टिव सिंक गेमर्स वगैरह के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो मेरे को ये मॉनिटर काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, और आपको इतने सारे फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं 12,000 रुपीज़ में OnePlus की तरफ से, तो मैं काफ़ी फ़ैन हो चुका हूँ। हालांकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर अगर आप ढूंढ रहे हो कोई बजट 24-इंच मॉनिटर जिसके अंदर फीचर्स वगैरह मिले, आपको USB-C कनेक्शन मिल जाए और उसके कलर्स काफ़ी बढ़िया हों, फुल HD आपको चलेगा, 4K की जाने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं। एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं वो है LG का, जो मैंने मॉनिटर कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी वो आप चेक कर सकते हैं, तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है अंडर 10,000 रुपीज़। आप अगर ये देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, और अगर वो देखना चाहें तो उसकी वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। पर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे सेफ, बाय बाय।